अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 39 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 39 हमारे पास है लैंग्वेज रिव्यू। लास्ट वाले तीन चार लेक्चर जो हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमें जो लेक्चर की आउटलाइंस दी गई है वो हमारे पास सामने है, पंक्चुएशन के अबाउट है। और पिछले लेक्चर में हमने कॉमास के अबाउट डिस्कस किया था कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होगा, एंड बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास पंक्चुएशन थी वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी कॉलन्स। कॉलन्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, तो यहाँ पे उसकी हेडिंग्स दी गई हैं जिनको वन बाय वन आगे एक्सप्लेन भी किया गया, तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि जी आपने इसको एम्फसाइज लिस्ट के लिए यूज़ करना है, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, सॉरी टेलीफोन कॉल्स हो गया, कैलकुलेटर्स वगैरह, और ऐसी चीज़ों के लिए आपने इसको लिस्ट बनानी हो तो वहाँ पर इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो कोटेशंस वगैरह, आपने फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको एक एम्फसाइज जो है कोटेशंस सी दी गई है, लाइक इस फॉर्म में जो दी गई है, आपने उसको जो है वो करके लिखना है। मतलब इसके लिए आपने यहाँ पे देखें सेमी कॉलन का यूज़ करना है। मतलब इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई चीज़ दी गई है तो उससे पहले जो आप लिखेंगे ना, अगर एम्फसाइज कोटेशंस सी दी गई है तो आपने कॉलन का यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपने अगर हमारे पास एक्सप्लेनेशनल एंड अपोजिशनल एलिमेंट्स को यूज़ करना है तो भी आपने जो है इसका कॉलन का यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक दिया गया क्वेश्चन था, और उससे पहले एक दिया गया कि इन डिज़ाइनिंग द टेक्नोमीटर द टीम फर्स्ट पोज्ड अ क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मतलब उसके बाद उन्होंने कॉलन का यूज़ किया और नेक्स्ट देन क्वेश्चन उन्होंने आगे अपना लिखा हुआ, तो कॉलन का यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि रेशियोज़ को अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो भी आपने कॉलन का यूज़ करना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, रेशियोज़ आपने एक्सप्रेस की हुई है, 1 आगे 300, इधर 100 है, तो दरमियान में कॉलन का यूज़ किया हुआ रेशियो को शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि जी आपने टाइम यूनिट ऑफ टाइम को सेपरेट करना हो, देखें टाइम को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं। एंड सेमी कॉलन का देखते हैं, सेमी कॉलन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो सेमी कॉलन का आपने यूज़ करना है, आपने कहाँ यूज़ करना है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए यूज़ करना है, या एक सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस को जो है वो करने के लिए आप कॉमा जैसे यूज़ करते हैं, इस तरह यहाँ पे आपने सेमी कॉलन को यूज़ करना है, सही है। या फिर अगर आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको ज्वाइन करवाना हो तो भी सेमी कॉलन का यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर आप जो है वो सेपरेट सेंटेंस के एलिमेंट्स को कॉमास के साथ करते हो तो उनको अगर मतलब सेपरेट आप करना चाहते हो, जिन जो सेपरेट हैं सेंटेंस एलिमेंट्स हैं उसके दरमियान जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं तो भी आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है, सही है। इन सेमी कॉलन का सेमी कॉलन सैम्बल ये होता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन मार्क का, तो आपको पता ही है कि जब जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्वेश्चन मार्क का सैम्बल जो है ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूज़ करते हैं, सही है। उसके बाद जी एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स का बताया गया हमें यहाँ पे, तो ये भी हम जो है यूज़ करते हैं जब भी हमें कुछ लाइक कह सकते हैं कि मतलब एंड वार्निंग सी देनी हो, या लाइक हम कह लेंगे कोई रिएक्शन हमें देना हो, तो हम इस साइन को जो है वो यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रॉफी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम अगर पोजेसिव केस हमने शो करना हो, अगर किसी की मलकियत को शो करना हो तो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अलीज़ हाउस, तो अलीज़ क्या गया एस लगाया हुआ, उसके दरमियान में अपोस्ट्रॉफी का सिंबल यूज़ होगा, तो अलीज़ हाउस अली का हाउस मतलब उसकी मलकियत शो की जा रही है, या कहाँ वहाँ पर यूज़ करते हैं, या फिर हम कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर हमने जो है कंट्रक्शन वगैरह बनानी हो तब यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रक्शन जैसे इट्स रेनिंग, अब इट्स जो है इट्स के दरमियान इट्स ITS है, उसके दरमियान हम अक्सर जो है वो सैम्बल यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी का। आगे शीज़ लिखें तो शी इज़ बनता है, लेकिन हम अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देते हैं, तो कंट्रक्शन को यूज़ करने के लिए भी इसको हम लगाते हैं। उसके बाद जी कोटेशन मार्क जो है हम जब हम दो अपने एक सेंटेंस लिखते हैं उसके साइड्स पर लगाते हैं, कोटेशन मार्क लगाते हैं, तो अगर हमने किसी नेम के आर्टिकल को मैं हाईलाइट करके दिखाना हो तो उसके साइड्स पे हम कोटेशन मार्क लगा देते हैं। अगर हम कुछ स्पीच किसी ने कुछ कहा है उसकी वर्डिंग को शो करवाना चाहते हैं तो भी उसके साइड्स पर हम कोटेशन मार्क मतलब डबल लाइन्स लगा देते हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे ये देखिए, उसने हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, देखें ना यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है उसको उन्होंने अपोस्ट्रॉफी सिंबल लगा दिया। हाइफ़न कहाँ पे यूज़ होता है, हाइफ़न जो है कंपाउंड नाउन्स में यूज़ होता है, उसके बाद कंपाउंड मॉडिफायर्स में यूज़ होता है, स्पेल्ड आउट नंबर्स में यूज़ होता है, उसके बाद डिवाइड करने के लिए वर्ड्स को यूज़ होता है, उसके बाद क्या करता है कि दो लेटर्स जो है उनके दरमियान जो है उसको गैप को वो सॉरी इंटू स्पेस या फिर उनको रेफरेंस देने के लिए उनके दरमियान जो है वो यूज़ होता है, सही है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि सफिक्स प्रीफिक्स लेटर्स जो होते हैं उनके साथ भी ये यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, हम यहाँ पे अगर कोई वर्ड ले लेते हैं एक्सप्रेस, तो एक्स
प्लस, अब एक्स जो है ये हमारे पास प्री है और प्रीफिक्स, और जो हमारे पास प्रेस है वो हमारे पास टेम है, उनको जब हम कंबाइन बने करेंगे तो एक्सप्रेस बन जाएगा। और उसके दरमियान भी यहाँ पे देखें सिंबल लगा हुआ हाइफ़न का, तो ये भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखें प्री, देखो अक्सर हम यूज़ करते हैं प्री मेडिकल, तो प्री और मेडिकल के दरमियान सिंबल यूज़ होगा। इसी तरह काफ़ी वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे जिनके दरमियान यूज़ होगा, देखें ना यहाँ पे यूनियनाइज दिया गया, उसके दरमियान सिंबल है, रिकवर के दरमियान सिंबल है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने कनेक्ट नंबर्स को करना हो, एंड उसके बाद आपने अगर किसी प्रीफिक्स को कैपिटलाइज करना हो, देखें न्यूटन तो एन कैपिटल है, उसके दरमियान उसने पोस्ट न्यूटन आई न्यूटियन को यूज़ किया, तो दरमियान में हाइफन का यूज़ किया, यहाँ पे भी हाइफन का यूज़ किया, सही है। उसके बाद जी लिंक कंपाउंड्स को करने के, लाइट ईयर हो गया, लाइट ईयर देखें यहाँ पे लाइट ईयर, उसने यहाँ पे लाइट ईयर के दरमियान लाइन लगा दिया, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स को उसने कंबाइन करना हो तो मॉडिफायर्स को देखें यहाँ पे, उसने कहा ग्रिड ग्रिड लेवल वायर ग्रिड हैवी वाटर, तो उसने इनके दरमियान क्या किया हाइफन को लगा दिया। और उसके बाद ये यूजेस आप देख लीजिएगा, ये जस्ट एक दफ़ा रीड करने वाला है, लेकिन इस लेक्चर को आप रीड जरूर कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी। उसके बाद लेटर्स वगैरह के लिए के दरमियान भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखें केमिस्ट्री वगैरह के केमिकल फार्मूलाज वगैरह होते हैं, उनके दरमियान भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा देखें हाइफन का सैम्पल यूज़ किया गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास डैशेज आ गई हैं, डैशेज का आपने यूज़ कहाँ करना है, जब दो हाइफ़न्स होते हैं यूज़ टू हाइफ़न्स विद नो स्पेस बिटवीन अराउंड इट, जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके दरमियान आपने क्या करना है कि दो हाइफ़न का यूज़ करना है, ठीक है। और इसी तरह आपने अगर मतलब लिखा है कि कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन वी हैव मेड दीज कमेंट्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू वाटर ओनली, अब यहाँ पे उसके दरमियान ये यूज़ किया गया क्यों, बिकॉज ऑफ ओनली फेमिलैरिटी विद वाटर ऑल ऑल प्योर, मतलब यहाँ पे उन्होंने इसको जो है वो यूज़ किया, ठीक है, डैशेज को यूज़ किया। उसके बाद पैरेंथेसिस क्या करते हैं, पैरेंथेसिस अगर आपने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी टॉपिक के बारे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ये लिखा है, ठीक है, सेंटेंस हमने लिखा है, यहाँ पे हम इस सेंटेंस के बारे में कुछ और भी बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा के उसके अंदर और भी उसके बारे में बता देंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा बताने हो, डिटेल देनी हो, तो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स का भी हम यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स को हम क्या करते हैं कि जब हमने कुछ कमेंट पास करना हो, कुछ करेक्टनेस करनी हो या कुछ न्यू चीज़ ऐड करनी हो, तो वहाँ पे भी हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये लेक्चर इतना ही था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये जस्ट रीड करने वाला है और बहुत इजी है, सिर्फ रीड एक दफ़ा आपको करना पड़ेगा और काफ़ी इजी है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।